नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो पौधा मैं हाथ में पकड़ा हूँ, इस पौधे का नाम है हड़ जोड़। यह हड्डी जोड़ने वाला एक आयुर्वेदिक औषधि है और इस जड़ी बूटी की बनावट कुछ इस तरह से होता है। देखिए, यह चार चार धारी होता है इसके चारों तरफ, इसलिए बहुत से लोग इस जड़ी बूटी को चतुर्धारा भी कहते हैं। और इस हड जोड़ का पत्ता कुछ इस तरह से होता है, पत्ता भी आप देख लीजिए। और यह एक बेलनुमा पौधा होता है जो कि किसी पेड़ के सहारे या झाड़ी के सहारे या फिर इस तरह से दीवाल के सहारे या काफी दूर तक फैलता है। दोस्तों, इस जड़ी बूटी में खूबी यह है कि इसके तनावों को तोड़कर अगर मिट्टी में लगा दिया जाए, रख दिया जाए या फेंक भी दिया जाए तो यह पौधा बनने लगता है। और हाँ दोस्तों, अलग अलग भाषाओं में इस जड़ी बूटी के और भी नाम है, आप देख लीजिए, पहचान लीजिए आप इसे किस नाम से जानते हैं। हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर मैं पूरा नाम इसका हर भाषा में बताते बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं नाम बताना यही खत्म करता हूँ। अब इसके फायदे के बारे में आपको बताना चालू करता हूँ। और दोस्तों, इंग्लिश में इसे एडिबल स्टेमड वाइन के नाम से जाना जाता है। तो आओ दोस्तों, अब इसके फायदे जान लें। तो दोस्तों, इस आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का जो मैं हाथ में तना लिया हूँ, इस तना को पत्थर के सिल में पीस कर इसका रस 10 ml निकाल कर उसे थोड़ा गुनगुना यानी गर्म करके दमा रोगी को पिलाने से फायदा होता है और अस्थमा वाले को भी पिला सकते हैं। दोस्तों, यह जड़ी बूटी हड़जोड़ पेट रोग में भी फायदेमंद है। अगर उल्टा पुल्टा ज्यादा मसालेदार खाना खाने की वजह से पेट में गैस हो गया है या हाजमा खराब हो गया है, और अक्सर लोगों को मसालेदार खाने का आदत होता है तो इसलिए कभी कभी अधिक मसालेदार खाने की वजह से पेट खराब हो जाता है, तो ये जो आप पत्ता देख रहे हो हथजोड़ का पत्ता, इस पत्ते को पीस कर इसका स्वरस निकाल लीजिए। ज्यादा नहीं, 10 ml निकाल लीजिए। और जिनको पेट में गैस हो, एसिडिटी या फिर हाजमा खराब हो, पाचन क्रिया खराब हो गया हो, तो उसे आप पिलाइए तो इसके सेवन से पेट रोग में फायदा होगा। और दोस्तों, इसके पत्ते का रस निकालकर पीने से बवासीर रोग में भी फायदा होता है। 10 ml से लेकर 15 ml तक पीना पड़ता है। और हाँ दोस्तों, यह जड़ी बूटी उपदंश रोग में भी फायदेमंद होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि उपदंश रोग जो है, पुरुष हो या स्त्री हो, उनके पर्सनल पार्ट के जगह पे होता है। और उपदंश के साथ साथ सुजाक रोग भी रहता है, तो उपदंश हो, सुजाक हो या गर्मी रोग कहा जाए या फिर सिफिलिस रोग कहा जाए, तो ये सब रोग जो है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इस तरह के रोग में इसे सुखाकर पाउडर बनाकर रखे हैं तो ठीक है, नहीं सुखाकर पाउडर बनाना पड़ेगा। और इसके पाउडर के साथ में और दो जड़ी बूटी मिलाना है, उस जड़ी बूटी का नाम है ताल मखाना और दालचीनी। जैसे मान लीजिए 10 ग्राम आपने इसका पाउडर ले लिया हड़जोड़ का, तो 15 ग्राम ले लीजिए ताल मखाने का पाउडर और 15 ग्राम दालचीनी का पाउडर। तीनों जड़ी बूटी जितना पाउडर बनता है उतना ही आप मिश्री का पाउडर मिला लीजिए या फिर शक्कर मिला लीजिए, चीनी मिला लीजिए। यह मैं आपको बनाने का तरीका बता रहा हूँ, आप ज्यादा भी बना सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो दवा बनाने के बाद आप 14 दिनों तक सेवन कीजिए, सुबह शाम 3-3 ग्राम दूध के साथ। और परहेज में तेल मसाला, मटन मछली, खट्टा सामान, अधिक मसालेदार तो सेवन करना ही नहीं है, क्योंकि यह रोग भी गर्मी का रोग है। जितना अधिक ठंडा सामान सेवन करेंगे उतना ही अच्छा होगा, फायदा जल्दी होगा। अगर हो सके तो आप मात्र दही भात 14 दिनों तक सेवन करें, बाकी कुछ भी न खाएं। और किसी किसी को दही नहीं सूट करता हो तो वह दूध भात भी खा सकता है 14 दिनों तक। लेकिन हाँ, खाना तो बिल्कुल सादा ही होना चाहिए, किसी भी तरीके का मसालेदार नहीं होना चाहिए, बस इतना याद रखिए। ऐसे आप मूंग की दाल की खिचड़ी भी बनाकर सेवन कर सकते हैं जब तक आपका ये दवा का कोर्स चलता है।
और अगर 14 दिन में फायदा नहीं हुआ तो डोज बढ़ाना भी पड़ता है, 40-45 दिन तक भी सेवन करना पड़ता है, लेकिन बीच बीच में छोड़ छोड़ के। दोस्तों इसके इतने ही फायदे नहीं है, और भी फायदे हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्त्री को लिकोरिया है, प्रदल रोग है, सफेद पानी की शिकायत है, जो कि योनि मार्ग से लसलसा पदार्थ सफेद सफेद गिरता रहता है, जिसके वजह से स्त्रियों के शरीर कैल्शियम घटने लगता है और जोड़ जोड़ में दर्द होने लगता है, कमर में, हाथ पैर में, घुटनों में दर्द होने लगता है, और कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियों में बुखार भी रहने लगता है, जिसके वजह से वह स्त्री चलने फिरने में तकलीफ महसूस करती है। तो ऐसे स्त्रियों के लिए भी ये काफी फायदेमंद है। ये हाथ जोड़ का जो ये देख रहे हो डंटल, इस डंटल को पीसकर इसका रस निकालिए कम से कम 10 ml, और उस रस को आप सुबह खाली पेट सेवन कीजिए। स्वाद के लिए आप मिश्री मिला सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अगर पी सकते हैं तो पी लीजिए। इसका स्वाद बिल्कुल फीका होता है, जो नया नया कोमल पत्ता रहता है, और जो पुराना हो जाता है उसका स्वाद कड़वा हो जाता है, और थोड़ा मधुर स्वाद भी है बाद में लगता है। दोस्तों इस जड़ी बूटी के अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत ही अधिक पाया जाता है, इसलिए यह हड्डी को जोड़ने का काम करता है। दोस्तों अक्सर उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत से लोगों को घुटनों में दर्द होने लगता है, तो उनके लिए भी यह जड़ी बूटी फायदेमंद है। इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि यह जो हर जोड़ है, ये जो आप देख रहे हैं तना, इसको सुखाकर पीसकर पाउडर बना लीजिए, और 100 ग्राम पाउडर में 100 ग्राम उड़द की दाल भी पीसकर पाउडर बना लीजिएगा, और 100 ग्राम बबूल की फली का पाउडर, सभी पाउडर को 10 या 15 ग्राम तिल का तेल डालकर कढ़ाई में भून लीजिए, और भूनने के बाद किसी डब्बे में आप इसे बंद कर रख लीजिए। सुबह शाम 5-5 ग्राम गुनगुना दूध के साथ सेवन कीजिए, 1 महीना लगातार, तो घुटनों के दर्द में आराम मिलेगा, क्योंकि दोनों चीज कैल्शियम को बढ़ाने का काम करता है। उड़द के दाल के अंदर भी कैल्शियम होता है, और इसके अंदर भी कैल्शियम होता है, और बबूल की फली भी घुटनों के लिए काफी फायदेमंद होता है, उसमें भी कैल्शियम होता है। तो ये तीनों चीज का कंपोजिशन आपके घुटने के दर्द को ठीक कर देगा। और दोस्तों अगर किसी का हड्डी टूट गया है तो प्लास्टर होने के बाद आप इस जड़ी बूटी सुखाकर पाउडर अगर बनाकर रखे हैं तो सुबह शाम 2.5-2.5 ग्राम गर्म दूध के साथ सेवन कीजिए, तो हड्डी जल्दी जल्दी जुड़ेगा। और अगर पाउडर नहीं है, ताजा ताजा मिल रहा है, तो आप 10-15 ml तक इसका जूस सुबह शाम सेवन कर सकते हैं, तो भी हड्डी जुड़ने में यह मदद करेगा। दोस्तों बहुत से लोग हैं कमर दर्द से परेशान रहते हैं, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है या पीठ की हड्डी में दर्द है, तो उनके लिए भी यह काफी फायदेमंद है। इस जड़ी बूटी पीस कर पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के लिए तो पहले इसे सुखाना पड़ेगा, सुखाकर पाउडर बना लीजिए, और इमली के बीज का पाउडर, दोनों पाउडर को मिलाकर 4-4 ग्राम सुबह शाम सेवन कीजिए, ऊपर से गर्म दूध पीजिए, और मसालेदार खाना बंद कर दीजिए, तो ही फायदा होगा। क्योंकि कोई कोई दर्द जो है एसिडिटी का होता है, गैस का होता है, गैस कहीं भी चढ़ जाता है तो वहाँ कुछ दिनों तक दर्द होता है, जब तक वह गैस वहाँ से नहीं हटेगा। दोस्तों इस जड़ी बूटी के पत्तों को आप पीस कर घाव के ऊपर अगर लगाते हैं तो घाव भी सूखने लगता है, और बहुत से ऐसे घाव होते हैं जो जल्दी नहीं ठीक होते हैं, तो इस हाथ जोड़ के पत्ते और नीम के पत्ते, दोनों पत्तों को मिलाकर पीस कर अगर छोपते हैं तो फायदा और जल्दी होगा। दोस्तों इस जड़ी बूटी के पत्तों को अगर पीस कर पेस्ट बनाकर जले हुए स्थान पर छोपते हैं तो जलन कम होता है, और जले हुए स्थान पर जो बाद में सफेदी पड़ जाता है, उजला उजला व्हाइट व्हाइट दाग हो जाता है, वह दाग भी नहीं होने देगा यह जड़ी बूटी, अगर आप जले हुए स्थान पर इसका पेस्ट लगाते हैं तो। दोस्तों बहुत से बवासीर रोगियों को ब्लड जाने की शिकायत रहता है, यानी खूनी बवासीर में ब्लड जाता है, तो उस बवासीर रोग में भी यह फायदेमंद है। इसके पत्तों को या फिर तनावों को पीसकर 10-15 ml तक इसका स्वरस यानी जूस पीने से फायदा होता है, या खून को रोकने का भी काम करता है। और अगर पैरिया की वजह से दांत से खून मवाद निकलता है तो उसमें भी आप इसके पाउडर को दांतों के जड़ में रगड़ते हैं तो भी खून को रोकने का काम करता है, रोक देता है। और अगर मान लीजिए आपको इसका पाउडर नहीं मिल रहा है
तो आप इसके ताजे ताजे डंटल को ही चबा चबा कर थूकिए तो भी आपके दांतों से खून मवाद का निकलना बंद हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को हम यही समाप्त करते हैं। अगर जानकारी लाभदायक हो, फायदेमंद हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।